ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में दो तीन चीज याद होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राइट ट्राइंगल का, ठीक है। राइट ट्राइंगल कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए कोई सा भी, ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए तभी वो राइट ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ये एक नंबर ट्राइंगल हो गया, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया, ठीक है। एक नंबर ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। दो नंबर ट्राइंगल में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, और तीन नंबर ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बताते हैं, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री के सामने जो होता है, ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। इंग्लिश में याद करो, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला हाइपोटेनस, ठीक है। हम लोग म्यूट रखो, जब कुछ पूछना होगा तो ही बोलना, ठीक है, बाकी सब म्यूट रखो। हेलो, हाँ हेलो, बोलो आजाद। हाँ आजाद सर, हाँ और आ रही ना, आप म्यूट कर लो, कौन चला गया, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इन दोनों में से जो नीचे रहता है, नीचे इसको बेस बोल देंगे हम, और इसको क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरह इसमें ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या तीन चीज हो गया इसमें? एक तो हो गया राइट ट्राइंगल, एक हो गया आपका हाइपोटेनस, एच बोलते हैं हाइपोटेनस, दूसरा हो गया आपका बेस, और तीसरा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एच पी बी ये याद रखना है, इसको हम एच से बताते हैं, इसको पी से और इसको बी से, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्राइंगल के बारे में बता दिया। अब होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब ये नाइन, अब इसमें देखो इतना है, तीनों किसी भी ट्राइंगल में, ये एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, ये एंगल थ्री हो गया। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री जो होता है ये 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये सबको पता है? नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही आवाज, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। जिसको आवाज नहीं आ रही वो नेटवर्क अपना दुरुस्त करे, नेटवर्क सही से देखें। नेटवर्क सही करने का तरीका है कि अगर बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हो नेटवर्क इंटरनेट, तो उसमें फ्लाइट मोड में जाके वापस से ज्वाइन करो, ठीक है, तो आवाज वाज क्लियर हो जाती है। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल टू जो है वो 90 डिग्री का हमेशा होगा, और एंगल वन और एंगल थ्री जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा ये एक और दो, एक और तीन, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, एंगल वन और प्लस एंगल थ्री कर दोगे, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है, तो ऐसे करके होगा, 90 30 90 से छोटा है, 60 90 से छोटा है, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। तो ये 90 और 45 45 90, ठीक है, तो 180 हो जाता है। सभी ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल, तीन ही एंगल होंगे, ट्राइंगल के अंदर तीन ही एंगल होंगे, एक दो तीन, तीनों का सम जो होगा, जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा हमेशा, ठीक है, ये बदल नहीं सकता है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो, बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? साकिब हाफिज जी, समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है जी? तो ये सब चीज ध्यान में रखना है, आगे सवाल आएंगे तो उसमें इस सब का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो बिल्कुल भूलना नहीं है।
चलो आगे बताते हैं, आगे क्या क्या चीज है। सौ रुपये लिख लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया करो ना। ठीक है, आगे कौन है? चलो अभी एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसी पे बताएंगे, ठीक है? एक ही ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी 90 डिग्री का है, यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है? ए सी ये हो गया तुम्हारा एच, ये हो गया तुम्हारा बेस। बेस मतलब बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार बोलते हैं। आधार बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा आधार। और परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है? ये लंब हो गया। और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं? कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। उस दिन गलत बोल रहे थे, कर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है? आधार, लंब, कर्ण, ठीक है? इसी तीनों का खेल है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इसी तीनों का खेल है, ठीक है? लंब, कर्ण और आधार, ओके? और ये 90 डिग्री। अब जो होता है बता दिए, लंब कर्ण आधार का बता दिए, अब हम तो वैल्यू बता रहे हैं। ये वैल्यू को याद रखना है, ठीक है? कैसे याद रखना है वो समझ जाने का। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है? साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है आपको, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है, ठीक है? तो पी क्या हो गया आपका? पी बराबर क्या आ गया? यहां से देख सकते हैं पी ऊपर क्या है? 3 है, तो पी बराबर 3 आ गया। साकिब हो ना? साकिब, ठीक है, ध्यान दो साकिब। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो पी बराबर 3 हो गया, एच बराबर क्या आ जाएगा हमारा? एच बराबर 5, ठीक है? अब यहाँ पे ये ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल यहाँ पे है, बना देते हैं फिर से। तो ये हो गया तुम्हारा पी 3 और एच हो गया 5, ठीक है? तो इसमें जो होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से क्या बोलता है कि h का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर के बराबर, ठीक है? तो इसमें जब हम रखते हैं, इस फॉर्मूले में जब हम रखते हैं, तो हमको मिलता है h का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर, ठीक है? बराबर p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है? तो हमको b का स्क्वायर पता करना है, तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 किया 9, ठीक है? 25 में से 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 16, तो b बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो अंडर रूट ऑफ 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का क्या होता है? 4, ठीक है? तो हमको मिल गया b बराबर 4, ठीक है? h बराबर 5, p बराबर 3, ठीक है? तो यहां से हमको पता चल गया कि, ठीक है, यहां से हमको क्या पता चल गया? b हमको पता चल गया। जब b पता चल गया तो अब हमको तीनों ये वैल्यू पता है, p बराबर 3 है, h बराबर 5 है, b बराबर 4 है। अब हम कोई सा भी साइन कॉस टेन, ये 6 वैल्यूज होते हैं, ठीक है? वो 6 का 6 हमको, 6 का 6 हम बता सकते हैं, ठीक है? अब वो 6 कौन कौन सा होता है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? साइन तो हमको दिया ही हुआ था, साइन दिया हुआ था, तो साइन का उल्टा अभी बताया भाई ने, कोसेक होता है, ठीक है? कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, उल्टा मतलब के एच बाई पी, ठीक है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। एच क्या है हमारा? 5, और पी क्या है हमारा? 3। तो ठीक उल्टा हो गया, साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, वन अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, वन अपॉन साइन थीटा, यानी ठीक पलट देना, उल्टा कर देना बस, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, ठीक है, याद रहेगा ये साइन का उल्टा कॉसेक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन का उल्टा कॉसेक। अच्छा कॉस हो गया, दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो अब आपको बी पता है, बी क्या है चार, ठीक है, एच क्या है पांच, तो ये आप चार बटे पांच आराम से लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सॉरी चार कहां से लाए आप, अरे चार अभी तो निकाले हो, बी बराबर चार, अभी इससे पहले नहीं पता है यहाँ पे, जी सर, अभी तो बी फाइंड किया ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये यहाँ पे क्या लेके आए थे, याद आया जी, हाँ याद, ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्या क्या छह कौन कौन से होते हैं हमारे, साइन कॉस, दो मेन मेन जो होता है वो तीन होता है, साइन कॉस और टेन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन का बता दिया हमने पी बाई एच होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच, और टेन का होता है पी बाई बी, याद रखने के लिए हमने बता दिया यहाँ पे लिखना है आपको पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, तो यहां से पी ले लो, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, ये आपका साइन हो गया, लिखा है पंडित बबड़ी प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ठीक है, याद रखने के लिए है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस याद रखने के लिए है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है, तो सबका पहला अक्षर ले लेंगे तो हमको याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखने के लिए खाली, और इसी का ठीक उल्टा होता है आपका कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, ठीक, इसका उल्टा, ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का ठीक उल्टा एच बाई बी, sec cosec sec और ये हो गया cot, ठीक है, cot बराबर क्या हो जाएगा b by p, tan बराबर क्या होगा p by b, समझ आ रही है ना बात, सॉरी बताइएगा b by h का उल्टा cosec, b by p का जो नीचे जो बदला है नीचे में उल्टा वाला जो है, हाँ जी जी, अच्छा ये वाला उल्टा हो जाता है, जैसे साइन है ना, साइन थीटा बराबर तुम्हारा पी बाई एच होता है, ये तो याद ही है, ठीक, इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब के ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है, समझा, उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या है b by h, सॉरी p by h, b by h, ठीक है, इसका उल्टा होता है आपका, ये याद रखना है कि इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी हम कंफ्यूजन में साइन का उल्टा sec बोल रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन क्या है साइन का उल्टा क्या होता है cosec, ठीक है, बस ये याद रखना कि cos और cos ये सेम सेम नाम दिख रहा है ना, cos और cosec ये सेम सेम नाम दिख रहा है, लेकिन सेम इसका उल्टा cosec नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है, cos और cosec ये नाम सेम सेम मिलता रहता है, लेकिन ये इसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है, यही चीज याद रखना है, साइन का सेक होता है, साइन का कोसेक होता है, ठीक है, कॉस का कोसेक नहीं होता है, ठीक है, साइन का कोसेक
और कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा और पी एच ऊपर चला जाएगा, तो एच बाई बी, और यहां से भी आपको मिल जाएगा सेक बराबर क्या हो जाएगा, बी एच बाई बी, यानी इधर से एच बाई बी, सेक बताना है तो एच बाई बी, कॉस बताना है तो बी बाई एच, टैन बताना है तो पी बाई बी, कॉट बताना है तो बी बाई पी, ठीक है, साइन बराबर बताना है पी बाई एच, कोसेक बताना है तो एच बाई पी, ठीक है। क्लियर है, उसी तरह टैन थीटा बराबर पी बाई बी है और थीटा इसका उल्टा होता है, ठीक है, तो बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, ये सब याद रखने की चीज है, ठीक है, समझ लो उसके बाद याद रखो, और प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है भाई यहाँ तक? क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो देखते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको देखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये आगे बताएंगे, किचन बनाया जाए, देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन ही पूछता है, तो बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं जी। ये देखो ये पूछ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप पे है, ठीक है, क्या दे रखा है, कोशिक कोशिक थीटा बराबर 5/3 है, तो सबसे पहले तो साइड में हम लिख लेंगे वो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, यहाँ पे है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टैन, ठीक है, ये आपका साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, अब बताओ कोसेक थीटा है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर आपको एच पता चल गया, एच क्या है 5, पी क्या है, पी 3 है, ठीक है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, वही जो अभी हम लोग सॉल्व किए, बी बराबर आ जाएगा 4, ठीक है, 3, 4, 5 ये हमेशा याद रखना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, 3, 4, 5, ओके, अब यहाँ पता चल गया, हाँ, अब आपको बताना है सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा यहाँ पे है, ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच क्या है 5, बी क्या है 4, क्या आ गया 5/4, ठीक है, कोसेक और थीटा हादा कुछ है, थीटा हादा है, हादा मतलब के हादा वो बोलते हैं, नहीं नहीं थीटा हादा है, हादा बोलते हैं एक्यूट एंगल को, एक्यूट एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 से छोटा डिग्री होना चाहिए, 90 से छोटा, ठीक है, 90 से छोटा डिग्री, 90 अगर कोई कोण जो है, कोण जो है, कोण कोण अगर 90 से छोटा है तो इसको बोलेंगे हादा कोण, हादा, ठीक है, क्योंकि अगर कोण ये हादा नहीं लिखेगा ना, हादा नहीं लिखेगा तो -5/4 भी हो सकता है, ठीक है, 4/5 भी हो सकता है, ठीक है, बदल जाता है, अगर ये थीटा जो है ना, थीटा अगर 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये बदल जाता है, बहुत सारा फॉर्मूला बदल जाएगा, बाद में बताएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए आएगा ऐसा जो नहीं मालूम होगा तब पूछेंगे, हादा मतलब होता है कि 90 डिग्री से, बस ये ऐसे ही लिखता है, लिखना ही इनको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे ना तो ये आंसर कोई भी आंसर आ जाएगा इसमें, अगर ये चीज नहीं लिखेंगे तो, ठीक है, तो इसलिए लिखना जरूरी है कि ये जो थीटा है ये हादा है, हादा मतलब कि एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तभी ये आएगा 5/4, ओके, हम शुरू में ही बताया ना तुमको कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होगा, ये थीटा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 से छोटा होगा, ठीक है, ये दोनों 90 से छोटा होगा, ठीक है, दोनों एंगल 1 और 2, ये दोनों 90 से छोटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों एंगल 90 से छोटा, यानी हादा एंगल होता है ये दोनों, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा 90, तभी तो 180 होगा ना टोटल का सम, वो तो पहले से ऑलरेडी दिए हुआ है 90, हाँ 90 तो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तो 90 नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल ही नहीं होता है, ये तो 90 होना ही होना है, ठीक है, ये कोण होता है, ये है थीटा, चाहे ये होता है थीटा,
ठीक है, कोई भी एक थीटा हो जाएगा ये या फिर ये जी, ठीक है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, अगर लगता है तो, नहीं तो ये एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जब हमेशा तीन चार पांच ही वाला पूछता है ज्यादातर, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है, याद तो हो ही गया होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h। P/h, ठीक है, P/h। तो P बराबर क्या आ गया, 3, और h बराबर 5, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। P क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक है। क्या पूछा है, बी आंसर है, टेन थीटा पूछा है, ठीक है, 3/4। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/b, ठीक है। B क्या है, 3 है, B क्या है, 4 है, क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये B आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता ही है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। 2009 का देख लिए, ये 2010 का है, ठीक है, और 2009 का देखोगे, अभी जो हम लोग किए थे वो 2009 का था, ठीक है, ये 2009 का दिख रहा है, ये 2009 हो गया, 2010 में भी देख लिया, हर साल पूछेगा एक क्वेश्चन जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, 2010 में ही दो सवाल पूछ लिया, सेम दो सवाल पूछ लिया, ठीक है, 2010 में ही दो क्वेश्चन पूछ दिया है, ये देखो दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको रिवीजन कर लेना, फिर आगे का कल करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक, इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, हादा जाविया लिखा हुआ है, हादा जाविया मतलब वही 90 से छोटा जाविया, जाविया बोलते हैं कोण के, ठीक है, जाविया मतलब होता है कोण, एंगल, तीनों में बता रहे हैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में बता रहे हैं, तीनों लिखते जाओ, ठीक है। हादा, हादा मतलब के 90 से छोटा, न्यून कोण, न्यून कोण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, न्यून कोण, हैं बताओ भाई हिंदी वाले, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, सही बोले, ठीक है, न्यून कोण हो गया। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, हादा जाविया तो ही है ना, उर्दू ही तो हो गया हादा जाविया, ठीक है, न्यून कोण, हादा जाविया, और इंग्लिश में बोल देंगे इसको एक्यूट एंगल, ठीक है, तीनों चीज पता चलेगा। अब इसी चीज को मैथ के भाषा में कैसे लिखते हैं, ठीक है, मैथ के भाषा में देखो कैसे लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैथ का भाषा है, जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है, जो थीटा है, जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये मैथ लिखने का तरीका हो गया। इसी चीज को हम हादा जाविया लिख सकते हैं, ठीक है, हादा जाविया का मतलब यही हुआ, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है, इसी को एक्यूट एंगल लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल, और इसी को हम न्यून कोण लिख सकते हैं, न्यून कोण। यहाँ पे जबानी बता सकते हो क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है, कॉस होता है आपका, ये हो जाएगा आपका H/b, ठीक है, तो ये आपका P और ये, ठीक है, तो H है आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, एक ही में आपको सारे टाइप मिल जाएंगे, जैसे मैं बताऊं ना कि पुराने क्वेश्चन हैं, एक ही हर सेट में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दो तरीका होता है, ठीक है, पढ़ाई करने का दो तरीका होता है, या तो आप एक तरीका सीखिए उसके ऊपर 10 क्वेश्चन कीजिए, या फिर 10 तरीका सीखिए और हर क्वेश्चन, हर तरीके का एक एक सवाल करते जाइए 10 बार, ठीक है,
तो ये भी प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते रहो, टेस्ट किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, अचानक टेस्ट लेंगे, तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा वीडियो देखते रहो, अचानक से किसी भी दिन टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, बस दिन भर का टाइम मिलेगा। नहीं डेट फिक्स रहेगा तो भूल जाओगे तुम लोग, फिर छोड़ दोगे, आज इसी हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। इसी हफ्ते मतलब कि सही से इतवार जुम्मा को भी छुट्टी रहेगा, शनिचर या इतवार दिन हो सकता है, ठीक है। आज जुमरात, ठीक है, आज बुध है ना, आज बुध है, जुमरात जुम्मा छुट्टी रहेगा, छुट्टी के दिन अपना तैयारी कर लो, शनिचर या इतवार किसी भी दिन हो जाएगा, ठीक है। अभी डेट नहीं आने लगा सर, जामिया का सब लोग भर दो, समझे, जामिया का बहुत जामिया का आ गया है, ठीक है। जामिया का जिसके पास पैसा है पढ़ने के लिए, पैसा मतलब के साल का 30-40 हजार जो दे सकता है फीस, वो लोग भर दो, ठीक है। 40-50 हजार अगर दे सकते हो साल का तो भर दो, क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर पे एडमिशन पिछले बार हुआ था, ठीक है, और इस बार भी होगा कोरोना की वजह से, ठीक है। तो जो फ्री सीट होता है, फ्री सीट तो नहीं मिल पाएगा कम नंबर पे, लेकिन जो पेड सीट होता है जिसपे पैसा ज्यादा लगता है, 40-50 हजार साल का लगता है, तो वैसे भी प्राइवेट से जो करना चाहता है उससे अच्छा है कि जामिया का भरते, जामिया में आराम से हो जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना इतना भी पढ़ लोगे तो आराम से, और जामिया का क्लास तो हो गए, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जामिया एमयू का क्लास, एमयू जामिया दोनों हो गया सर। नहीं अभी नहीं हो गया, अभी नहीं हुआ है, आज 19 है ना, इंशाल्लाह एक आध दिन में करेंगे,